मगर हौसले अभी जिंदा हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा हैं। हम फॉरएवर में खड़े हैं जहां पर मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। आज का दिन कुछ जोश दिखाने का दिन है, तो जरा एक जोश चेक हो जाए किस किस के अंदर कितना जोश है। आप लोग एक्साइटेड हैं? वेल दोस्तों, इस बार पहली बार हमारे एशिया के कुछ दोस्त भी इस इवेंट में शामिल हुए हैं। कैन वी गिव देम अ बिग हैंड? एफएलपी इंडिया में का नाम हम लेते सार ही उनकी छवि हमारे सामने आ जाती है। आई वुड इनवाइट मिस निकिता नेत्रवाला, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द डायमंड मैनेजर एंड GLT member, Miss Jane Leach on stage. When you join forever, you are in forever, forever. Well, dosto, next. जो शख्सियत हैं, द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी मिस नवाज गासवाला, उनको डिसअपॉइंट मत करना। कम ऑन, आई वांट योर कमिटमेंट। Welcome on stage, Miss Cynthia Mohan, wife of Mr. Greg Mohan. None other than Mr. Greg Mohan, President Forever Living. Well, dosto, next Mr. Aidan O'Hara also. Energy, the excitement filled with over 7,000 people. What an incredible feeling that is. And that's the moment you guys are going to do. Your decisions that you make today will impact thousands.
हर कोई लोग कहते हैं कि विक्टिम, मैं विक्टिम वर्ड के खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ना मैं विक्टिम थी, ना हूँ, ना कभी बनूंगी, ना किसी को बनने दूंगी। तो यही चैलेंज आप लोगों को भी लेना है। आज आप घर जाएंगे और जाने के बाद आप जब भी सोने से पहले ये सोचिए कि कल मेरे साथ मेरी लाइफ में एक चैलेंज आने वाला है। और जैसे ही आपके पास वो चैलेंज आएगा, क्योंकि आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर है, देन वो चैलेंज आपको चैलेंज नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा और खुद भी आप उस चीज से बाहर निकलेंगे और दूसरे को भी निकाल पाएंगे। What an amazing opportunity this is, and to see so many people learning so much in one place here, it's just incredible. वो महान दूरदर्शी इंसान है, रेक्स बॉन।
गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल. अगर सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है तो प्लीज टाइप टू. अगर आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, बिल्कुल आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज टाइप टू. हाँ जी, सभी को मेरी वॉइस जो है वो प्रॉपर क्लियर है. चलिए तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बेसिकली बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है. बिकॉज आज का जो सेशन है उसका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ फॉरएवर. हम सभी ने पोस्टर देखा होगा और हम सभी को आई थिंक अंदाजा हो चुका होगा कि हमारा जो सेशन है वो किस चीज के ऊपर है, यानी कि हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद फॉरएवर, राइट. तो यानी कि इस टॉपिक की ही अगर बात करें तो इस टॉपिक के अंदर अपने आप में एक बहुत खासियत है वो, और वो ये है कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत फॉरएवर लिविंग के साथ कैसे करें, हम अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे हुए. और इसके अंदर अगर हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल, जो कि एक अमेरिकन ब्रांड है, इसमें हम कैसे ढेरों पैसा कमा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं. क्या आप सभी तैयार हैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, उस शानदार प्लानिंग को जानने के लिए, उस शानदार लेवल के बारे में जानने के लिए जो कि बेसिकली आपको जीरो से हीरो बनाने वाला है आपकी लाइफ के अंदर. क्या आप सभी रेडी हैं? आप सभी रेडी हैं, राइट. तो चलिए बेसिकली स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी. हो सकता है आप में से कई सारे लोगों ने मुझे कल भी सुना हो और आज आप लोग मुझे आज भी सुन रहे हैं. तो अगर बेसिकली इस चीज की बात करें, आज का जो सेशन होने वाला है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो इस चीज के ऊपर है. टॉपिक हम दोबारा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद अ फॉरएवर. यानी कि मैंने भी फॉरएवर लिविंग के साथ जब बिजनेस को शुरू करा था, मेरी क्या जर्नी रही है बेसिकली इस इंडस्ट्री के अंदर, मैंने कैसे अपने आप को इस लेवल तक पहुंचाया है, कैसे मैंने ग्रोथ ली है, कैसे मेरी अर्निंग जो है वो इस लेवल की हुई है, कैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया था और आज अगर बात की जाए तो 10,000 से भी प्लस की एक टीम है, कैसे मुझे कई जगह से जॉब से रिजेक्ट किया गया था बट अगर आज की बात की जाए तो 24,000 से भी ज्यादा मंथली टैक्स कट हो रहा है, कैसे मेरी टीम के अंदर 100+ मिलियनेयर बने हुए हैं, यानी कि जो 1,00,000 से लेकर महीने का 8 से 12 लाख रुपए भी अर्न कर रहे हैं. ये सारी चीजें बेसिकली आपको इस सेशन के अंदर क्लियर होने वाली है. तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो माई सेल्फ लक्ष्मी शर्मा, और अगर बात की जाए मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, यानी कि जब मैं बिगनर थी, मैंने जब इसमें स्टेप लिया था इन 2017 की मेरी ज्वाइनिंग है. आप लोगों में से कई 2022 में ही आए होंगे, आप लोगों में से कुछ कैंडिडेट्स दिसंबर 2021 में आए होंगे, यानी कि कुछ पुराने भी होंगे थोड़े नवंबर अक्टूबर के, हो सकता है, राइट. अगर बात की जाए तो जितने भी हमारे बीच में कैंडिडेट्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आप सभी का. आप सभी यहाँ पर अपने सपनों को साकार करने आए हैं, राइट. आप सभी यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने आए हैं. बट ये होगा कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? ये पॉसिबल है बिकॉज फॉरएवर का जो कंसेप्ट है ये एक आम आदमी को खास बनाता है. बस बिलीव चाहिए अपने सपनों के ऊपर. तो जब मैंने इस इंडस्ट्री में शुरुआत करी थी तो मैं एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट थी, यानी कि मैं पढ़ाई कर रही थी सेम आप लोगों की तरह ही, जैसे आप लोग में से कुछ लोग जो एजुकेशन ले रहे होंगे, कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ जॉब के लिए ट्राई कर रहे होंगे आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर प्लस टू, राइट. तो मेरी भी सेम ऐसे ही लाइफ थी. एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और अगर बात की जाए एक वैसी फैमिली जहां पर फादर नहीं है. इन 2015 मेरे फादर की बाय हार्ट अटैक डेथ हो गई थी. तो मेरे मदर जो है वो सिंगल अर्नर है थे उस टाइम पर, सिंगल अर्नर थे, राइट. क्योंकि उसके बाद तो हमने भी अर्न करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा थी हमारे घर में. तो आप देखिए सभी के लाइफ में जब फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट आया, बहुत लोगों को खुशी हुई होगी, आप लोगों को प्लान भी मिला है, बहुत लोगों को अजीब भी लगा होगा, बहुत सारे लोगों के सपने भी टूट गए होंगे, यार हम कैसे मैनेज करेंगे इन चीजों को. बट अगर मैं अपनी बात करूं, जो मुझे फर्स्ट टाइम फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट समझ आया था, लिटरली मुझे -1% भी क्लियर नहीं हुआ था कंसेप्ट. मुझे 1% भी क्लियर नहीं हुआ था. मेरे माइंड में सिर्फ यही था, क्योंकि फर्स्ट डे आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारा जो है हेल्थ बेस्ड बिजनेस है, शेयर एंड केयर का बिजनेस है हमारा. डे वन पर कोई क्लैरिटी नहीं होती, राइट. आप लोगों को भी नहीं हुई होगी, मुझे भी नहीं हुई थी. अगर ये आप लोग में से कोई एक बोलेगा ना कि मुझे तो 100% क्लियर आ गया था, समझ आ गया था, तो आई थिंक आप कहीं ना कहीं गलत है. क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल बताऊं, आपने जो उस टाइम सुना था हो सकता है वो 100% हो, लेकिन जब आप किसी को बताओगे थोड़ी देर बाद ही वो 80-70% रह गया होगा, लेकिन जब आप बताओगे और समझाओगे तो वो आपका 10-20% रह जाता है.
तो जब मैं प्लान लेकर अपने घर आई, मैंने कंसेप्ट देखा, मैंने अपने मदर से शेयर किया कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट देखकर आई हूँ, बहुत अमेजिंग है, लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं। मेरे मदर का एक ही कहना था, शायद आप लोगों के पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि ये काम नहीं चलते, ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं, ये फ्रॉड होता है, पैसा फंस जाता है इसके अंदर। सीरियसली ये स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी फैमिलीज की, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, MLM को लेकर ये चीजें होती हैं, बोलती है हमारी फैमिलीज। तो मेरी फैमिली का भी कहीं ना कहीं ये कहना था। और देखो, जब भी हम कोई कंसेप्ट देखते हैं या जब भी हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, जब भी हम अपनी लाइफ का कोई डिसीजन लेते हैं, अपनी फैमिली से जरूर डिस्कस करते हैं, मैंने भी किया था। और जब डिस्कशन के बाद ना, फिर दो माइंडसेट हमारे बनते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या था कि यार कर लेती हूँ, नेगेटिव क्या था, मम्मी भी शायद कहीं ना कहीं हो सकता है सही कह रही हूँ। बट जैसे ही मुझे मेरे अपलाइन का कॉल आया सेशंस के लिए, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन हुआ करता था, आज तो चलो हम ऑनलाइन है, वर्क फ्रॉम होम है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन उस टाइम क्या होता था, हमें नियर अबाउट 15-16 किलोमीटर अपने घर से जाना पड़ता था RDO के अंदर, जिसका फुल फॉर्म अगर बात करें रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है ये, तो आपके एरिया में भी, आपके स्टेट में भी कोई होगा। तो अगर बात की जाए, तो मैंने उनको बताया कि मदर जो है मेरे वो कन्विंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप, मैं तो शायद इसको नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, बट हाँ अगर कोई और होगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। बट उन्होंने क्या कहा कि नहीं, आप क्या है, एटलीस्ट सेशन लेकर देखो, सेशंस के तो कोई पैसे नहीं लग रहे, आई थिंक आप लोगों से भी नहीं लिए होंगे, 7 दिन की ट्रेनिंग्स लगाओ, 7 दिन की ट्रेनिंग के बाद भी अगर सिस्टम नहीं क्लियर आता, एक बार हम बैठ कर डिस्कशन करेंगे ऑन द टेबल, और अगर उसके बाद भी क्लियर नहीं होता तो तेरी लाइफ है, तेरा डिसीजन, तूने जो करना हो वो कर ले। तो मुझे कुछ ऐसे गाइड किया गया था। तो मैंने भी सोचा यार, हम इतने साल कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, पैसा लगा कर जा रहे हैं, एजुकेशन जो ले रहे हैं, हम कहीं ना कहीं वहाँ इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, बट स्टिल क्या है, जॉबलेस है। बिकॉज मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी, मैं फाइनल्स में होने वाली थी, यानी कि मेरा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था यहाँ पर, और जब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो मुझे 3500 की जॉब ऑफर हुई थी, वो भी किसी स्टोर के ऊपर। आप सोच कर देखिए, आपने जिंदगी के 14 साल लगाए हैं एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन के ऊपर आपको इतना भरोसा है कि आप जब 10th 9th में होते तो आपको लगता है 40-50 तो आराम से मिल जाएगी, 40-50,000 तो कहीं नहीं गए मंथली। लेकिन जैसे जैसे +1 +2 में हम लोग आते हैं, तो हमारी वही सैलरी जो हम 40-50 सोचते हैं, वो 25-30,000 हो जाती है। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वही 20-22,000 रुपए हो जाती है। सेकंड ईयर तक आते थे, मुझे क्लैरिटी हो गई थी कि मुझे मार्केट में 8,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। बिकॉज मैं आपको क्लियर करती हूँ कि आज के टाइम पर ना, एक एजुकेटेड भी उतना ही कमा रहा है जितना एक अनएजुकेटेड कमा रहा है। फर्क क्या है, अनएजुकेटेड दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है और एजुकेटेड कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है। फर्क सिर्फ काम का है, पैसा दोनों को बराबर मिल रहा है, राइट? और कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मजदूर होते हैं बेचारे, वो दिन में 4-6 घंटे काम करते हैं, बट एक एजुकेटेड दिन में 12-12 घंटे भी अपनी घिसाई करता है। तो मुझे 3500 में आई थिंक ऑफर हुए थे, मैंने की भी जॉब, उसके एक्स्ट्रा मैंने प्रमोशंस वगैरह करी, स्टॉल के ऊपर खड़े होना, लाइक थोड़ा हार्डवर्क जो होता है वो भी किया, क्योंकि पैसे की जरूरत थी। पैसे की जरूरत क्यों थी, बहुत सारे रीजंस थे, घर रेंट पर था, सारी चीजें रनिंग थी, छोटे ब्रदर की एजुकेशन एंड ऑल, अपना आना जाना, अपने पर्सनल खर्चे, बहुत सारी चीजें थी, घर का राशन, बिजली का बिल। तो इन चीजों को मैनेज करते हुए मैंने डिसीजन बनाया था उस टाइम पर कि मैं स्टडी के साथ साथ जो है जॉब करूंगी। इन बिटवीन मुझे कंसेप्ट मिला, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई है उस चीज में। तो मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग्स लगाई, बैक टू द पॉइंट, मैंने 7 दिन की ट्रेनिंग्स लगाई, मुझे सीरियसली कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। मुझे ये क्लियर हुआ, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बेनिफिट्स हैं, बट माइंड में क्वेश्चन था यार, इतने महंगे प्रोडक्ट लेगा कौन? आपके माइंड में भी आता होगा, इतने महंगे प्रोडक्ट हैं, कौन बाय करेगा, किसको दूंगा, आता होगा कहीं ना कहीं माइंड में, यार क्या करूंगा, फायदे होंगे कि नहीं होंगे। तो मेरे माइंड में भी थी ये चीजें, बट क्या है, मैंने प्रमोशंस करके थोड़ी सी सेविंग्स अपनी रखी हुई थी साइड में, नियर अबाउट 2500 के आसपास थे, 2500 आई थिंक 2200 के रुपए के आसपास थे। ज्वाइनिंग की बारी आई थी उस टाइम पर, ज्वाइनिंग का टाइम था और मुझे एक प्रोडक्ट बाय करना था। मैंने बहुत सोचा वो 1200 रुपए का नेक्टर लेते हुए उस टाइम पर, बट उस नेक्टर के ना कहीं बेनिफिट्स बहुत दिख रहे थे। वो बेनिफिट क्या थे, मेरे मदर को लास्ट 15 ईयर से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनको बैक नेक की प्रॉब्लम थी सर्वाइकल की, जिसमें वो बेंड नहीं हो सकते, पिलो यूज नहीं कर सकते थे, हैवी वर्क नहीं कर सकते थे, अपनी आईज पर प्रेशर नहीं डाल सकते थे। तो मुझे ये भी था कि मैं अपने मदर के लिए ले भी लूं, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत सारे गवर्नमेंट की दवाइयां खा चुके, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, क्योंकि देखो जिनके पास पैसा नहीं होता वो बेचारे डिस्पेंसरी में जाकर, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर 5-7 रुपए का कार्ड बनाकर लाइनों में खड़े रहते हैं पूरा दिन। उसके बाद अगर डॉक्टर उठ जाए तो कोई गारंटी नहीं है वो आपको चेकअप करेगा भी,
नहीं करेगा। तो मैंने अपने मदर की ऐसी हालत भी कहीं ना कहीं देखी थी, तो मुझे वो 1200 रुपए इन्वेस्ट करना कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा था कि अगर रिजल्ट ना मिले तो आई थिंक ये सेविंग भी माइनस में चली जाएगी। बट मैंने ट्रस्ट करके प्रोडक्ट के ऊपर, वो ट्रस्ट क्यों हुआ, बिकॉज मैंने ऑनलाइन सर्च किया था, मैंने गूगल पढ़ा था, मैंने विकिपीडिया पढ़ा, मैंने बहुत सारी ऑनलाइन यूट्यूब पर टेस्ट मनीज देखी जिसमें बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स थे, जिसके अंदर किसी को ब्रेस्ट कैंसर में रिलीफ मिला, किसी को कैंसर था, किसी को स्टोन था, किसी को थायराइड में बहुत ज्यादा हेल्प हुई प्रोडक्ट के थ्रू। तो मैंने भी वो विश्वास करा, जब इतने सारे लोगों को बेनिफिट मिला है तो कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा, तो क्यों ना ट्रस्ट किया जाए। तो मैंने अपने मदर को यूज करना स्टार्ट करवाया, मैंने 3 प्रोडक्ट बाय करे थे धीरे धीरे करके। फर्स्ट इज फॉरएवर एलोबेरी नेक्टर जो मैं आपको बता चुकी, सेकंड इज फॉरएवर हीट लोशन एंड थर्ड इज फॉरएवर सी प्लस आती थी उस टाइम पर, जिसको हम अब्सॉर्बेंट सी बोलते थे बट वो सी प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने ये प्रोडक्ट अपने मदर को यूज करवाया और सीरियसली आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, विद इन ए 22 डेज यानी कि 22 से 25 दिन में मेरे मदर की जो पेन था ना नेक का, वो बिल्कुल खत्म हो गया था। मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर कि सर्वाइकल खत्म हो गया था 22 दिनों के अंदर, बट उनका पेन था जो वो रात को अपने ऑयल की मसाज करते थे सो नहीं पाते थे, लैक ऑफ स्लीप की उनमें प्रॉब्लम हो गई थी, इंसोमिनिया हो गया था उन्हें बेसिकली, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी प्रॉब्लम की वजह से, पेन की वजह से। तो 22 दिनों बाद मेरे मदर जब एक मॉर्निंग उठे तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली कि मैं ना बहुत टाइम बाद इतने रिलैक्सली मैंने आज सोया है, और वो चीज सुनकर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैं देख रही थी नेक्टर की बोतल ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट के ऊपर बहुत स्ट्रांगली फेथ बना। तो मेरे ना माइंड में एक चीज आई थी कि बिजनेस का नहीं पता भी मुझे कि मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा कि भी नहीं करेगा, बट मुझे इतना डेफिनेटली क्लियर हो चुका है कि अगर मैं किसी को प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करती हूँ, किसी को कोई हेल्थ इशू है अपना ये रिजल्ट बताकर, तो डेफिनेटली सामने वाले को भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो उसकी ठीक हो जाएगी। मैंने यहाँ पर ये नहीं सोचा था कि मुझे क्या बेनिफिट होगा, मैंने ये सोचा था सामने वाला ठीक हो जाएगा। तो मेरे मदर स्कूल में जॉब करते हैं, उनके एक टीचर है जो कि बेसिकली नर्सरी केजी के केजी को पढ़ाते हैं, तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी, उनका थायराइड बहुत कंट्रोल में हुआ। सेम स्कूल के अंदर मैंने शुगर के लिए प्रोडक्ट रिकमेंड करे, उनको बहुत रिलीफ मिला। अब मेरा यहाँ पर कहने का मेन मोटिव पता है क्या चीज है, कि प्रोडक्ट बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप भी शेयर करें ऐसे जाएं, वो आपका अपना है कि आपके नॉन टू वे सर्कल में अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यू है तो आप जरूर रिकमेंड करें, बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो शेयरिंग और केयरिंग का है। वो इन शेयर्स के अंदर आपके फ्रेंड के मदर्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके नेबरहुड हो सकते हैं, आपका कोई भी फ्रेंड, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड, आपका कोई मेल फ्रेंड, कोई भी हो सकता है इसके अंदर, आपके स्कूल कॉलेज टीचर्स हो सकते हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के लोग हो सकते हैं। तो बेसिकली हमने आसपास के लोगों को अगर हम रिकमेंड करते हैं, नहीं तो सेल्फ यूज, तो देखो डेफिनेटली वो तो है ही है हमारे पास ऑप्शन। देन अगर बात की जाए, आती है बात बिजनेस की। अब देखो हम सभी को यहाँ पर 2CC प्लान मिला होगा। अब जिन्हें AS प्लान मिल चुका है ना, जिन्हें AS प्लान मिल चुका है वो प्लीज टाइप 3 करें। जिनको AS प्लान मिल चुका है, आपको पता लग चुका होगा कि 2CC यानी कि CC क्या है, बेसिकली CC की फुल फॉर्म क्या है, राइट? अगर आपको ये चीजें पता लग चुकी है, फॉरएवर कब स्टार्ट हुआ था, फॉरएवर में कितने प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल के क्या बेनिफिट्स हैं, आर्टिक सी कैसे खाई जाती है, आपको अगर थोड़ी थोड़ी नॉलेज हो चुकी है, जिनको नॉलेज हो चुकी है वो टाइप 4 करें, जिनको प्लान मिल चुका है वो टाइप 3 करें। तो आप प्लीज मुझे ये चीज क्लियर करके बताएं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर काफी पार्टनर्स को जो है वो प्लान मिल चुका है, और बहुत सारे पार्टनर्स जो है वो नॉलेज गेन कर चुके हैं। तो हम आगे बात करते हैं कि ये प्लान मैंने कैसे लेवल किया। अभी अभी इतनी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और मैंने AS भी कर लिया, आज मैं सामने भी हूँ, ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई वो मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज फाइनेंशियली तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं थी कि मैं अपने लेवल को डन कर पाती, बट हाँ एक अरेंजमेंट नाम का वर्ड होता है वो मैंने करना स्टार्ट करा अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी मदर को थोड़ा बोला। बट मुझे जब फर्स्ट टाइम प्लान मिला था ना, तो शायद आप लोगों को भी डर लगा होगा, मुझे भी डर लगा था। मुझे जब फर्स्ट टाइम प्लान मिला था AS का, और मैं आपको बताऊँ मुझे फर्स्ट टाइम प्लान मिला कब था, सेम डे जब मैंने सिस्टम को देखा था। आप लोगों को तो शायद अभी नॉलेज चेक हुई होगी, आपका टेस्ट हुआ होगा, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ क्या था, जिस दिन मैंने सिस्टम को देखा था उसी दिन मुझे प्लान मिला था, बट उसकी क्लैरिटी मुझे 8 से 10 दिन बाद हुई कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्टॉक बाय करना है 30,000 रुपीज का। उस टाइम पर ये उस अमाउंट में लेवल थी, 2017 की मैं बात कर रही हूँ, और आज 4-5 साल बाद तो थोड़ा GST लगकर ये 34,000 की इसकी अमाउंट बन चुकी है। तो मैंने जब अपनी मदर को बताया कि मुझे नियर अबाउट अपना स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा आपका सपोर्ट की जरूरत है, तो मेरे मदर ने मुझे क्लियर कट मना कर दिया था कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तेरी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए।
और मैं आपको एक चीज बताऊं, शायद मेरे मदर वहां पर गलत थे, आप लोगों के पेरेंट्स ने भी आपको ये बोला होगा, आप लोगों के पेरेंट्स भी गलत हैं, बिकॉज पैसा होता है, हमने संभाल के रखा होता है किसी बुरे वक्त के लिए, कोई इमरजेंसी का वेट करते हैं, जरूरी नहीं हमारे पास जो पैसा बचा हुआ है, हम जो सेव करके वो किसी इमरजेंसी में ही लगाए, बुरे वक्त में लगाए, उसे अच्छे वक्त को लाने के लिए भी हम लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड करें आप लोग, उसे अच्छे वक्त को लाने में भी लगा सकते हैं हम। अगर अंबानी बोलता 2.5 लाख करोड़ रुपीज मैं बैंक से क्यों लोन लूं, उसमें उसका खुद का भी कुछ इन्वेस्टमेंट था जो उसने सेविंग कर रखे थे, अगर वो बोलते मेरा बुरा वक्त आ जाएगा मैं तो नहीं जियो का स्टार्टअप करता, तो शायद आज वो इतना दिन का 3,000 करोड़ या इससे भी ज्यादा जो वो आज कमा रहा है वो नहीं कमा पाता, राइट। उसने वो पैसा इन्वेस्ट करा फॉर अ गुड टाइम, अच्छे वक्त के लिए उसने वो चीज इन्वेस्ट करी, राइट। कई लोगों का माइंडसेट होता है यार फ्री का मिल जाए, फ्री का मिल जाए, बिजनेस करना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं आपको बताऊं फ्री का तो लोग बाहर एडवाइस भी नहीं करते। आप किसी से कंसल्टेशन लेने जाओगे ना, अगर आपको बाय एजुकेशन लेना है, आपको किसी भी चीज की कंसल्टेशन चाहिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बुखार है भी, वो आपको मेडिसिन बाहर केमिस्ट किसे लिख कर देगा, बट आप उससे क्या करवाने जो कंसल्ट करवाने जा रहे, और उसकी फीस क्या होगी, अबव द 500 रुपीज। अभी मैं मंथली जा रही हूँ, मेरे चेकअप्स चल रहे हैं, है ना, कबीर के चेकअप्स चल रहे हैं, तो उसकी ही कंसल्टेशन जो फीस है वो 1000+ है, और मेरी जो कंसल्टेशन अलग है वो 700+ है। आप सोच कर देखो, सिर्फ बात करने के, मेडिसिन वो लिख कर देगा वो तो बाहर से आएगी, और जो मेडिसिन लिख कर देंगे वो 3,000-5,000 के नियर अबाउट जो है वो ये चीजें। तो आप एक चीज सोच कर देखिए कि लोग एडवाइस करने का भी पैसा ले रहे हैं बाहर, तो हमें लाइफ चेंज करने के लिए अपॉर्चुनिटी कैसे फ्री मिल जाएगी। तो आई थिंक यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत, और यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, अपने दिमाग के ऊपर काम करना चाहिए कि हम किसी गलत ट्रैक पर तो नहीं है। बिकॉज अगर बात करें, हमने कल वैलेंटाइन डेज की बात करी थी, यहाँ पर अगर हम बोलते यार मुझे नहीं सेलिब्रेट करने, 7 दिन तो इन्वेस्टमेंट होते, बट क्या हम बेटर से बेटर करना चाहते हैं, मूवी की टिकट लेने चाहते हैं, बेटर से बेटर सीट को डिजर्व करते हैं हम लोग, करते तो है, बट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करता है हमारे पेरेंट्स हमें कितना पैसा देंगे। ये चीज सोच कर देखिए आप, तो पेरेंट्स के ऊपर क्यों डिपेंड होना, पेरेंट्स से भी ऐसे लेकर जाते एकदम कॉर्नर की एंड की सोफे वाली सीट्स को हम लोग लेते, पूरा कंफर्ट ढूंढते हैं, 500-700 रुपए की जो टिकट्स होती है ना जिनकी, वो ढूंढते हैं हम लोग जाकर। तो आप सोच कर देखिए यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं नहीं सोचते, बीच में इंटरवल आता है, पॉपकॉर्न लेने से पहले नहीं सोचते यार इन्वेस्टमेंट है, 500-400 रुपए का पॉपकॉर्न आता है वहां पर, अगर आप लोगे कोल्ड ड्रिंक लोगे आप साथ में, तो आप सोच कर देखिए वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम सोचते हैं कभी यार ये तो 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा खाने का सामान, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं 400 रुपए, फ्यूचर के लिए संभाल के रखता हूं। कपड़े लेने जाते 2-4 साल बाद फट जाएंगे, हम बोर हो जाएंगे, हम उन्हें रिटायर कर देंगे, क्यों इन्वेस्ट करना। घर में राशन लेकर आते हैं 12-15-20 हजार रुपए का, अगले महीने पता है फिर डालना पड़ेगा, यानी कि एवरी मंथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। घर में तेल की बॉटल खत्म हो जाती है नहीं खोलते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ आई होती है, बिना इन्वेस्टमेंट के आपके कोई दे देगा। आप किसी से ले आओ यार मुझे 4 साल का राशन ना एडवांस दे दे, मुझे अच्छा लगेगा ना तो मैं तेरे पैसे दे जाऊंगा, मेरी भूख मिटेगी अगर तेरे चावलों से, तेरे आटे से उसकी रोटी बनाऊंगा खाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं तेरे पैसे दे जाऊंगा, बट 4 साल का इकट्ठा देना पड़ेगा तुझे। क्या वो देगा? वो आपको ना अपनी दुकान में से टॉफी तक नहीं ले जाने देगा, अंडरस्टैंड करो। शायद उसे छोड़ो, अगर आप होते ना उसकी जगह आप भी नहीं ले जाने दोगे। तो यानी कि फ्री की चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं है, फ्री की जो चीज अवेलेबल है ना वो पता है क्या चीज है, टाइम पास करना, और उसके लिए भी खैर चाहिए होता है कुछ ना कुछ। टाइम पास कहाँ करेंगे, मोबाइल फोन के अंदर, है ना, मोबाइल फोन में करेंगे तो मोबाइल में तो रिचार्ज चाहिए, उसके लिए मोबाइल चाहिए, मोबाइल में रिचार्ज चाहिए, फिर यहां से भी बात नहीं बनेगी, बैटरी खत्म हो जाएगी तो चार्ज करना पड़ेगा, वो इन्वेस्टमेंट है, बिजली का बिल आ रहा है धीरे धीरे उससे। तो यानी कि चीजें माइंड से निकालनी पड़ेंगी, और ये चीजें मेरे भी निकली थी, मेरी फैमिली के तो खैर नहीं निकली थी, बहुत टाइम बाद ये चीजें क्लियर हुई थी मेरी फैमिली को, बट मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि अगर हम ऐसी चीजों के पीछे हैं और भाग रहे हैं तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी मार्केट में, अगेन मैं बोलूंगी, अवेलेबल नहीं है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, फर्स्ट मैं हमेशा बोलती हूँ बिलीव इन योर सेल्फ, पहले अपने ऊपर विश्वास करें। सिस्टम में तो दम है यार, ये प्रूवन कंसेप्ट है, प्रूवन है ये। प्रूवन का मतलब पता है क्या क्या होता है, आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है, प्रूवन है, मैं लाइव प्रूव हूँ यहाँ पर। मैंने 4-5 साल पहले स्टार्ट करा था, जीरो से स्टार्ट करा था, आज मैं हूँ यहाँ पर मल्टी मिलियनेर। मेरे जैसे लाखों लोगों ने स्टार्ट करा था, सभी मल्टी मिलियनेर है यहाँ पर, लोगों ने गाड़ियां ले ली, घर ले लिए यहाँ से,
इंटरनेशनल टूर्स जा रहे हैं, यानी कि ये चीजें प्रूवन है, आपके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा कि आप पहले इंसान है इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ ना आप लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अंडरस्टैंड करो बस क्या चीजें है, फॉलो करना है किन लोगों को जो सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुके हैं, उन्हें फॉलो करना है हमें। और उन्हें फॉलो करना बहुत आसान है, वो क्या बताएंगे हमने क्या करा, उन्होंने जो करा वो आप कर लो, आप वैसे बन जाओगे जैसे वो आज है। बहुत आसान काम है, वरना बाहर सोचकर देखिए लोग लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते शोरूम्स डालने में, ज्वेलरी शॉप डालने में, कपड़ों का शोरूम डालने में, जूतों का शोरूम डालने में, और उसके बाद क्या करते हैं री इन्वेस्ट करते हैं, 4 महीने बाद 5 महीने बाद स्टॉक खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या कि अगर डिजाइन पुराना हो गया तो उस फैक्ट्री में जाकर वापस देकर अपने पैसे नहीं ले सकते, वो आपको क्या करना पड़ेगा वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आपको हाफ रेट में उसको सेल करना पड़ेगा, यानी कि विदाउट मार्जिन विदाउट प्रॉफिट आपको वो सेल करनी पड़ेगी वो चीज। और उसके बाद क्या होगा, वहां पर आप अपनी जिंदगी के 40 साल बिता दोगे, आपका पेट बड़ा हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, यानी कि जो इंसान 40 सालों में, आपने देखेंगे शोरूम्स के अंदर पीछे एक इतनी बड़े साइज की मूर्ति टंगी होती है, उसके ऊपर एक माला हार चढ़ा होता है, और वो होता है जिसने उसको स्टार्ट किया था, और उसकी कुर्सी भी वही होती है जिसके ऊपर उसकी नेक्स्ट जनरेशन बैठी होती है। यानी कि जो इंसान 40 साल में अपनी कुर्सी चेंज नहीं कर पाया, लगता है वो अपनी जिंदगी चेंज कर लेगा। और हम लोग क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं इन लोगों से जाकर, भैया भैया एक कंपनी देखे क्या ज्वाइन कर लूं, चाचू चाचू एक कंपनी देख कर आया हूं, मल्टी लेवल कंपनी है, मल्टीनेशनल ब्रांड है, मल्टी कंट्री ब्रांड है, बहुत सारे देशों में चल रहा है, अमेरिका का ब्रांड है, लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब उसने क्या लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, करोड़ों की, उसके सर में दर्द है, बोलेगा चल भाग यहाँ से, वो मार के दो थप्पड़ आपके कान पर आपको भगाएगा, या आपको गालियां देगा, चल भाग टाइम खराब करने आ गया, कुछ नहीं, वो एडवाइस नहीं करेगा आपको। और एडवाइस करेगा भी तो क्या, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेगा, फ्रस्ट्रेशन किस बात की निकालेगा, शोरूम का रेंट देना है, स्टॉक भरने की टेंशन, लड़के जो रख रखे हैं उसकी टेंशन, बिजली का बिल भरेगा, दुकान में कोई तोड़फोड़ हो गई उसका उसको रिपेयर, यानी कि उसकी मेंटेनेंस। फॉरएवर लिविंग में आप लोगों ने क्या करना है, किसी को सैलरी देनी है नहीं देनी, कोई ऑफिस मेंटेन करना है नहीं करना, कोई लाखों करोड़ों रुपए का स्टॉक भरना है नहीं भरना, कोई रेंट देना है नहीं देना। सिंपल क्या चीज है, जो हम लोग मंथली या 3 महीने का हम लोग रिचार्ज करवा रहे हैं उसी का यूज करना है, वो तो हम पहले भी करवाते फॉरएवर लिविंग से पहले, वो हम अब भी करवाएंगे, उसका इस्तेमाल करके आप लोग यहां से मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो। कोई भी हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है। बिकॉज अगर मैं आपको बता एक चीज क्लियर करती हूँ, अगर आप दुनिया के 5% लोगों में शुमार होना चाहते हो तो वर्क विद योर ब्रेन, आपको अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा, बिलो द नेक काम करना छोड़ दो। ये हार्ड वर्क है, दो हाथों की जो मेहनत होती है ना ये हार्ड वर्क होता है। दो हाथों से कितना कमा लोगे, ऊपर वाला ना करे हाथ टूट जाए आपका। आप बहुत माहिर है अपने काम में, लेकिन आप कारीगर किस चीज के हो, हाथों के। आपके हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर आ जाए, 3 महीने घर बैठोगे, आप सोच कर देखो कैसे काम करोगे, आप तो कर ही नहीं पाओगे, यानी कि काम नहीं तो अर्निंग भी नहीं। तो मैं आपको एक सिंपल एक चीज बताती हूँ, आप अपने दिमाग के साथ काम करें। दिमाग तब भी काम करता है जब आपका शरीर काम नहीं करता। आप एक व्हील चेयर पर बैठकर भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके दुनिया को बदलने की पावर रखते हो। तो यानी कि बिजनेस में करना है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्विंस करना है आपने अपने आप को, क्या मैं रेडी हूं इस बिजनेस के लिए, क्या ये बिजनेस मेरे लिए बना है, क्या ये बिजनेस मुझे फ्यूचर में कामयाब बना देगा जैसे कि मैं लोगों को देख रहा हूं। ये चीजें आपको क्लियर करनी है। अगर आपको ये चीजें क्लियर हो गई ना, देन कन्विंस योर फैमिली। एक बार अपने तसल्ली करवा लो, फिर अपनी फैमिली की करने बैठो कि मम्मी या पापा मुझे ये बिजनेस करना है, मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा है, मुझे पूरा विश्वास है मैं इसमें कामयाब होकर आपको इतने से इतने टाइम में दिखाऊंगा। आप उन्हें यकीन दिलवाएं। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगी, बहुत सारे बच्चे हमारे बीच में ऐसे होंगे, अगर नहीं है तो मैंने तो सीरियसली अपनी लाइफ में देखे हैं कि लोग है ना नौकरी से बचने के लिए, स्पेशली स्टूडेंट लाइफ जो होती है, जॉब से बचने के लिए ना अपने पता नहीं पेरेंट्स का जो पैसा है वो दो नंबर का समझते हैं कि क्या करते हैं, अपने फैमिली को जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना चाहते, अपने पेरेंट्स को जल्दी रिटायरमेंट नहीं देना चाहते। जैसे उनकी फैमिली बोलती है ना बेटा जॉब पर लग जाओ, एजुकेशन पूरी होने वाली है, वो क्या करते हैं, मैं तो मास्टर्स करूंगा, मैं तो अभी आगे PhD करूंगा, मुझे जॉब वॉब नहीं करनी है। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार बच्चा होगा कैसे, क्योंकि उसे खुद को पता है मार्केट के हालात क्या है, खुद को पता है आपको मार्केट के हालात क्या है।
आज के टाइम पर पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी हाई डिग्रीज की अगर बात करें सभी के सभी जॉबलेस है। बट स्टूडेंट स्टिल क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, कॉलेजों में जा रहा है। मैं ये नहीं कह रही कॉलेजों में मत जाओ, एजुकेशन छोड़ दो, बट एटलीस्ट अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचो। कब सोचोगे, जब कॉलेज डिग्री लेकर हाथ में देकर बाहर निकाल देगा, और जब हाथ में डिग्री आ भी जाएगी आफ्टर दैट क्या है आपके पास, कुछ भी नहीं है, जीरो जीरो हो। एक माइंडसेट बनाओ, अपने आप को प्रिपेयर करो, जब तक मेरी ग्रेजुएशन होगी या मैं प्लस वन में हूँ, प्लस टू में जाऊंगा, या मैं कॉलेज तक पहुंचूंगा तो मैं अपनी गाड़ी में जाऊंगा। आप यहां तक की कमिटमेंट बनाओ। मैंने कमिटमेंट करी थी, मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी सेकंड ईयर, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ इस चीज को। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल एजुकेशन ले रहा था, सारा फ्रेंड सर्कल मेरा जो है वो डिग्री के पीछे था, और जब मैंने डिग्री छोड़ने का डिसीजन बनाया अपने ग्रेजुएशन को, तो सबने मेरा मजाक बनाया, और सबका ना एक टाइटल था, मुझे टैग दिया गया था लूजर का। लूजर है, भाग रही है, डरती है कि परसेंटेज कम आएंगे, दैट्स व्हाई स्टडी को क्विट कर रही है, या हो सकता है कि इसको शादी की बहुत जल्दी है, शादी करना चाहती है, बहुत सारे टैग्स मिले थे उस टाइम पर। तो ना वो चीजें सुनकर ना मैंने अपने माइंड में एक सोच बना ली थी कि जब तक ये लोग डिग्री लेकर बाहर निकलेंगे ना, मेरा मंथली पे आउट इतना होगा जितनी इनकी साल की इनकम होगी। और मैंने ऐसा किया था, मैंने सीरियसली ऐसा किया था, बिकॉज मुझे ना अपने ऊपर और अपनी वर्डिंग्स के ऊपर विश्वास था। और जब भी मेरे माइंड में आता था यार मुझे मेरे से नहीं हो रहा, मुझे छोड़ना है, या मुझे नेगेटिविटी आ रही है, लोग मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं, और मैं जब अपनी उस वर्डिंग के बारे में सोचती थी ना, अपने फ्रेंड्स को सोचती थी जिन्होंने मुझे लूजर का टैग दिया था, किसी को भी नहीं पसंद होगा कोई उसे लूजर बुलाए, तो मेरे फ्रेंड्स ने जो टैग दिया था मुझे वो हमेशा रिमाइंड रहता था। और जब मुझे ज्यादा ही लगने लगा कि यार ये चीज मुझे लिखनी चाहिए कहीं पर, तो मैंने लिख कर एक प्लेन पेपर के ऊपर अपनी दीवार पर लगाई कि लोग मुझे लूजर क्यों बोलते हैं जस्ट बिकॉज मैंने ग्रेजुएशन छोड़ दी, मेरे पास डिग्री नहीं है, यही रीजन है मुझे लूजर बोलने का। तो मैंने अपने आप को ना इस लो लेवल से ना हाई लेवल पर लाने का सोचा, और मुझे पता था फॉरएवर लिविंग के अलावा ना वो कोई अदर कंसेप्ट है नहीं है। और जहां पर मेरा सारा सर्कल डिग्री लेने पहुंचा था ना, उनके सेमेस्टर बाकी थे, उससे पहले मेरे हाथ में मेरा जो फर्स्ट पे आउट था ना 1,03,000 रुपए का था, फर्स्ट पे आउट आफ्टर मैनेजर मेरा 1,03,000 रुपए का था। आप सोच कर देखो, जिसे बाहर 7-8,000 की जॉब मिलेगी उसकी कितने टाइम की सैलरी होगी ये। और आज की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरा मंथली पे आउट स्टेबल जो है 3-5 के बीच में है। आप सोच कर देखो, अगर मुझे मंथली स्टेबल जो है वो 4,00,000 भी आ रहा है, तो वो इंसान कब कमाएगा? अगर उसकी 15,000 रुपए सैलरी है ना, वो तब भी अर्न नहीं कर पाएगा पूरे साल के अंदर भी 4,00,000 रुपए, जो मैं महीने का ले रही हूँ आज फॉरएवर लिविंग से। तो यानी कि आज के टाइम पर लूजर कौन है, जो डिग्री के साथ है, जो डिग्री के बिना है, ये तो यहीं पर क्लियर हो जाता है। बट एक चीज है, मैं आपको फिर बोलूंगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मेरी वर्डिंग मेरी जबान पर बिल्कुल मत जाइएगा कि मैं आप लोगों का एजुकेशन के अगेंस्ट बोल रही हूँ कुछ भी। बट हाँ, एजुकेशन आपको पढ़ा लिखा बना देगी, अमीर और कामयाब नहीं बनाएगी। तो सिस्टम आपको क्या कहता है, सिस्टम आपको कहता है कि आप लाइफ में 1x 2cc का बिजनेस करें। 2cc बेसिकली है क्या, कुछ कॉमन करेंसी है, यानी कि कुछ क्रेडिट्स है, कुछ पॉइंट्स है, बेसिकली ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमारे प्रोडक्ट को दिए गए हैं लाइक दैट। जैसे हमारा फॉरएवर डिजायर है जो कि फॉर मेन डिजाइन हुआ, ये मेंस के लिए है, बेसिकली परफ्यूम है, डिओड्रेंट है, इसको कुछ पॉइंट्स मिले होंगे फॉरएवर लिविंग से लाइक 60-61 अगर हम लगाए, ठीक है। मैंने इसको बाय करा, मेरी आईडी में कुछ केस क्रेडिट आ गए, यानी कि 0.61 मेरे पास पॉइंट्स आ गए। जैसे ही मैंने एलोवेरा जेल बाय करा, 61 प्लस मेरे हो गए 102, तो यानी कि मेरे और ये बढ़ गए पॉइंट, अंडरस्टैंड कर रहे हो, 164 मेरे पॉइंट्स हो जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट्स बाय करती जाऊंगी, मेरी आईडी में केस क्रेडिट यानी कि पॉइंट जो है वो कैलकुलेट होते चले जाएंगे। जैसे जैसे ये पॉइंट 1,000 हो जाएंगे, तो मेरी आईडी में कैलकुलेशन हो जाएगी उन 1,000 पॉइंट्स की, इज इक्वल टू 1cc, और इसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो बैठेगी वो अराउंड होगी नियर अबाउट 33,000 से लेकर 34,000 की, जो कि अप्रोक्सीमेटली अमाउंट है हमारे 2cc बिजनेस की। यानी कि जैसे ही मेरी आईडी के अंदर 2000 पॉइंट यानी कि 2cc हो जाएगा, 2000 केस क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे, 2cc हो जाएगा, तो ये मेरा बिजनेस हो जाएगा लगभग 34,000 रुपए का। तो यानी कि फॉरएवर हमें बोलते हैं, अगर आप फॉरएवर को लेकर सीरियस है, अपने करियर को लेकर सीरियस है, आप चाहते हो फॉरएवर लिविंग में आप सक्सेसफुल हो, फॉरएवर लिविंग के साथ ग्रो करें, बिकॉज देखिए हम नहीं है फॉरएवर लिविंग के टर्नओवर तब भी हाई है, हम नहीं होंगे फॉरएवर लिविंग के टर्नओवर तब भी हाई होगी, बिकॉज अगर हम इसे टॉप पर नहीं लेकर जाएंगे तो कोई और डेफिनेटली लेकर जाने वाला है। और जो जिस कंपनी के साथ या किसी इंसान के साथ उस वक्त में होता है ना, जब वो ग्रोथ पीरियड पर होती है, तो उसको ज्वाइन करने वाला डेफिनेटली ग्रो करता ही करता है। तो इस चीज को हमने माइंड के अंदर हमेशा रखना है। तो हम क्या करेंगे,
दो सीसी का हमने थोड़ा सा स्टॉक बाय करा, जिसके अंदर लगभग हमें 4-5 एलोवेरा जेल, ये मैं वैसे बता रही हूँ आपको, 2-3 एलोबेरी नेक्टर, फॉरएवर लिविंग की नई ड्रिंक खाई है, एलो मैंगो, एलो पीच चीज, फॉरएवर आर्टिक सी, आरजी प्लस ब्राइट टूथ जेल, इसके अलावा फॉरएवर हीट लोशन, इम्यू ब्लेंड, फॉरएवर एवोकेडो सोप, फॉरएवर एलो लिप, ऐसे फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, जैसे ही हम ऐसे ऐसे कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं जो हमारे पर्सनल यूज के लिए भी हो सकते हैं और फॉर शेयर भी हो सकते हैं, कि हमने अगर किसी को बोला किसी को शुगर है तो एलोवेरा जेल उन्हें दे सकते हैं फॉर हाई शुगर एंड हाई बीपी, एलोवेरा जेल के बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके अंदर। तो अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि फॉरएवर हर इंसान के लिए है तो सही, बट इसमें कामयाब वो इंसान होगा जो इसको लेकर सीरियस होगा। बिकॉज देखो, आप सब सकते हैं लेकिन ज्वाइंट यानी कि लेवल वो करेगा जो सीरियस होगा। तो इसीलिए फॉरएवर लिविंग ने रखा है। और मैं आपको एक अलग और अजीब बात बताती हूँ कि अदर कंट्रीज में ना जो बिजनेस फॉरएवर में 2 सीसी से स्टार्ट, कंपनी ने तो हर कंट्री में 2 सीसी रखी हुई है, हर कंट्री में 2 सीसी है, बट अदर कंट्रीज में ना लोग 10-10 सीसी बाय करते हैं सिंगल डे के अंदर। वो कहते हैं यार जब करना ही है बिजनेस तो हाई लेवल पर करते हैं ना, बट अपने इंडिया में पता क्या होता है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी हम इतनी बार सोच लेते हैं, इससे ज्यादा का फोन लेने जाएंगे ना तो शायद यार किश्ते हैं भर दूंगा कोई चक्कर नहीं है, ले तो लूं, पापा को मना लूंगा कोई बात नहीं, बर्थडे भी तो आ रहे हैं, वैसे भी यार पापा ने वैसे भी तो शादी में लगाना ही था, मुझे नहीं दिलवाएंगे किसी और को तो दिलवाएंगे। हमारे माइंड में ऐसे से ऑलरेडी क्वेश्चन और आंसर तैयार हो जाते हैं, बट जब बात करियर और बिजनेस की आती है ना तो पता क्या होता है, पापा नहीं मानेंगे यार, फैमिली नहीं कन्विंस हो रही बिजनेस के लिए, मेरे मदर गुस्सा कर रहे थे, मेरे छोटे भाई ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, यार मैं इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रहा, इसमें तो पैसे लग रहे हैं। अरे भैया लाइफ में पैसा कहाँ नहीं लग रहा, आप मुझे ये बताइए कहाँ नहीं लग रहा पैसा, हर जगह लग रहा है, हर जगह, बस क्या है नजरिया, नजरिए का फर्क है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग है, MLM है, तो यहाँ हमारा पैसा फंस सकता है। आप सोचकर देखिए, आप कहीं से नया मोबाइल लेकर आए, 3 दिन बाद अगर वो ना चला, क्या दुकान वाला गारंटी लेगा उस चीज की? अगर वो आपके हाथ से गिरकर टूट जाता है, क्या दुकान वाला गारंटी लेगा उस टूटे मोबाइल की? वो क्या बोलेगा यार मैंने तो सही दिया था, मेरे पास कोई नहीं है, वो 34,000 रुपए का, 35,000 रुपए का, 20,000 रुपए का भी तो रिस्क है। जहां पर हम एजुकेशन में लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर, हम तब सोचते हैं यार जॉब ना मिली तो, ये भी तो रिस्क है। यानी कि इन्वेस्टमेंट तो हम लाइफ में हर मिनट हर सेकंड कर रहे हैं, हर मिनट और हर सेकंड कर रहे हैं। तो इस चीज को हमने अपने माइंड से क्लियर करना है, क्योंकि देखो कुछ चीजें होती है लाइफ में इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें होती है लाइफ में अर्जेंट, कुछ होंगी इंपॉर्टेंट और कुछ होंगी अर्जेंट, आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर करना है। अर्जेंट चीज आपको प्रेजेंट में हेल्प करेगी, इंपॉर्टेंट चीज आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। आज के टाइम पर क्या करते हैं यार, पैसे की जरूरत है, क्यों? क्योंकि किसी का उधार देना है, वो क्या अर्जेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, अर्जेंट है वो। अगर आप उसे 2-4 महीने बाद भी दे दोगे, वो तब भी तसल्ली से बैठ जाएगा, मर्डर नहीं करेगा आपका, बैठ जाएगा वो, जहां इतना टाइम वेट करा उसने इस टाइम भी वेट करेगा वो। तो इस चीज को क्लियर, इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा? किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपसे आखिरी बार मिलना चाहता है, दैट्स द इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। किसी की फ्यूचर, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है। कहीं पर आप बिजनेस करना चाहते हो, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, लेकिन नौकरी इट्स अर्जेंट, ये अर्जेंट है, आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए ना, क्योंकि और इंस्टेंट क्या चीज होती है, प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर में इंस्टेंट है ही नहीं, ये वर्ड फ्यूचर के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो हमने इस चीज को ध्यान रखना है, राइट? तो मैं आपको सिंपल एक चीज बताती हूँ, बिजनेस देखो MLM है क्या बेसिकली, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। फॉरएवर जो बिजनेस है ना, ये टाइम मल्टीप्लीकेशन का बिजनेस है, जिसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सीरियसली, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड बोला है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई छोटा इंसान था, है ना, एक टाइम का महाविज्ञानिक रहा है ना, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी विज्ञान की, हर चीज की। तो आप एक चीज सोचकर देखो, उस इंसान ने जो इस दुनिया से जा चुका है और उसके जो रूल्स हैं वो आज भी फॉलो किए जाते हैं कहीं ना कहीं, अगर उसने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यानी कि इनडायरेक्ट वे में MLM इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को 8th wonder ऑफ द वर्ल्ड बोला है, तो यानी कि कुछ तो पावर होगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये बिजनेस ना 1994 से रन हो रहा है, 1994 से, बट इसकी ग्रोथ कब से होना स्टार्ट हुई है, 2018 से। 2018 से इसकी जो ग्रोथ है ना, वो इस लेवल, हाई लेवल के बूम पर है। यानी कि ये वो चीज है कि समुंदरों का पानी जो है ना वो सड़कों पर आ चुका है,
अब ये डिपेंड हमने करना है कि उस पानी में से हमने एक चम्मच भरकर निकालना है और उस पानी के अंदर हमने स्विमिंग करनी है। आप चाहो अगर वो समुद्रों का पानी जो आपके घर गलियों में आपके घरों में आ चुका है ना, आप समुद्र की तह तक जा सकते हो और उसकी गहराइयों को नाप सकते हो। फॉरएवर में इतना पैसा है आप चाह कर भी नहीं बटोर सकते। अभी तो आपको 34,000 रुपीज इकट्ठा करना थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब फॉरएवर देगी ना, तो कहते हैं ना जब झाड़ू से भी इकट्ठा करोगे ना तो इकट्ठा नहीं होगा आपसे, आपको हर महीने समेटना पड़ेगा। हम आज के टाइम पर सोचते हैं यार इतना पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट कहाँ करें, क्या करें इस पैसे का, तो कुछ ना कुछ हर महीने म्यूचुअल फंड्स, बैंक पॉलिसीज, एफडीज कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो क्या चीज है, बट आप सोचकर देखिए, क्या ये चीज तब पॉसिबल थी जब मैं फॉरएवर में नहीं थी? उस टाइम पर पॉसिबल थी, उस टाइम पर तो मेरे पास आने जाने का रिक्शा का किराया नहीं होता था, उस टाइम मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेती? उस टाइम तो शायद मुझे डोनेशन की और जरूरत थी, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, मुझे डोनेशन चाहिए थी उस टाइम पर। बट क्या है, कहते हैं जो इंसान अपनी मदद खुद नहीं करता, उसकी मदद करने के लिए तो खुदा भी नहीं उतरता। तो ये चीज सोचो, अपनी मदद खुद करनी है क्योंकि ऊपर वाला तो नहीं आने वाला। आप गिर गए हो, अगर आप खुद ही नहीं उठ रहे तो आपको सामने से कोई क्यों अपना हाथ ऑफर करेगा? आप खुद ही एफर्ट नहीं कर रहे उठने के लिए, आप खुद ही तैयार नहीं, आपको डर लग रहा है अभी भी कहीं ना कहीं। आप एक चीज सोचकर देखिए, आपने इंडस्ट्री के अंदर जाहिर सी बात है रोल्स रॉयस देखी होगी, मिक्लॉस फॉरएवर लिविंग का वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, मिक्लॉस ने रोल्स रॉयस बाय करी, मर्सिडीज है यहाँ पर, फरारीज है यहाँ पर लेम्बोर्गिनी जैसी गाड़ियां हैं, इंडिया में 1-1 करोड़ की गाड़ियां हैं हमारे ग्रुप के अंदर, इंडिया के अंदर 65 लाख की गाड़ियां हैं, 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली लोगों ने फॉरएवर के बिजनेस से, और स्टिल हमारी फैमिली बोलती है नेटवर्क मार्केटिंग पैसा लेकर भाग जाएगी। अरे जिसने 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली वो कहता है अगर भागती है तो भैया भाग जाए, मेरा लेकर नहीं गई, मुझे तो देकर गई है, उल्टा बिजनेस करना और सिखा गई, ये बता गई कि 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी तू कभी नौकरी से नहीं ले सकता था, बिजनेस कर रहा था तो ले भी ली। वरना आप सोच कर देखो, एक जॉब वाला इंसान जो महीने का 5 लाख रुपए भी कमा रहा है, महीने का मैं कह रही हूँ जॉब वाला इंसान, क्योंकि उसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, बूढ़ा हो जाएगा, रिटायरमेंट ले लेगा, काम खत्म, सैलरी आनी बंद। बट एक बिजनेसमैन अगर बेड पे लेटा है ना, डायलिसिस भी हो रहे हैं, उसने दिमाग से इतना काम करा होता है एक लेवल पर, उसके मरने के बाद भी पैसा आता है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी छोड़कर गए अपनी जनरेशन के लिए रिलायंस इंडस्ट्री। वो चीज आप लेकर चले अपने माइंड के अंदर। तो लोग ना बाहर कुछ बाय नहीं कर पाते, सोचते हैं, आप सोचकर देखिए, आज ही मैंने ग्रुप में एक पोस्टर डाला, आई थिंक बहुत सारे लोगों को मिला होगा, भिवानी के मेरे कुछ लीडर्स हैं, सिमरन है और उनके ब्रदर हैं करुण, और अगर उनकी बात की जाए तो वो दोनों ब्रदर सिस्टर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था और एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट ले रहे हैं, कार बाय कर रहे हैं, वो बहुत यंग एज है, ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत छोटे हैं वो। आप सोचकर देखिए, वो एक गाड़ी प्लान कर रहे हैं रिसेंट इस महीने या इस मंथ के एंड तक जो है वो आ भी जाएगी। उन्होंने भी तो कभी स्टार्ट करा था एक छोटे से एरिया से, हरियाणा में एक छोटा सा एरिया है भिवानी, भिवानी में एक छोटा सा मोहल्ला है, राइट, तो वहां से उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, वहां से स्टार्ट घर से किया था, लेकिन आज एक्सपैंड जो है ना बिजनेस ऑल ओवर द इंडिया में हो रखा है, अदर कंट्रीज में भी हो रखा है। कैसे पॉसिबल हुआ? बिलीव सिस्टम की वजह से। अगर आप बिलीव रखते हैं तो आप डेफिनेटली अचीव करेंगे। तो देखिए, आज जो डेट है वो है 17th of February, 17 फरवरी है आज, और अगर आपने लेवल को डन करते हैं बेसिकली, तो हमारी जो पर्सनल मेंटोरशिप होने वाली है उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, अगर बात की जाए तो अभी ग्लोबल रैली जा रही है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ग्लोबल रैली जो है ना अभी अबू धाबी जा रही है, 10 मई से लेकर 15 मई का टूर होगा, और ना उसकी कैंसिलेशन अमाउंट भी है। कैंसिलेशन अमाउंट समझते हैं, पेंडेमिक के चलते, यानी कि ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के चलते, अगर आप अपनी सेफ्टी देख रहे हैं और अपना ट्रिप कैंसिल करना चाहते हैं, तो फॉरएवर आपको घर बैठकर आपके टूर का $3,500 आपके अकाउंट में एज इट इज डाल देगी, जिसकी इंडियन करेंसी में जो वैल्यू ऑफ द कॉस्ट है वो बनती है 2,62,000 से थोड़ी सी ऊपर या नीचे, घर बैठकर, क्या टूर कैंसिल करने का पैसा। अदरवाइज तो आपके पास ऑप्शन है, आप टूर लो, आप इंजॉय करो, 7-star 5-star में रहो, इंजॉय करो, आपको फॉरएवर लिविंग आने जाने की टिकटें देंगी, रहने का देगी वहां पर, स्पेंडिंग ऑफ द मनी देगी फॉर द शॉपिंग, आपको वहां पर वहां की अच्छी अच्छी चीजें घुमाई जाएंगी, तो ये चीजें भी है वहां पर। बट क्या चीज है, लोग अभी भी बिलीव नहीं करते, अंडरस्टैंड करें, लोग अभी भी क्या नहीं करते, बिलीव नहीं करते।
बिलीव क्यों नहीं करते? क्योंकि डर है कहीं ना कहीं। अभी भी कुछ लोग लिख रहे हैं 2cc करना मुश्किल है। अरे वो फोन लेना भी बहुत मुश्किल था जो आपने अपने पेरेंट्स से लिया है, जिसके लिए बहुत जिद करी थी। वो फोन जब आपने पहली बार मांगा होगा 10 या 12 हजार का होगा, खैर उस टाइम पर वो फोन लेना बहुत मुश्किल था, बट आज है कि नहीं है हाथ में, है ना? तो पता क्या चीज होती है, कहते हैं जहां चाहा है वहां रहा है। तो डेफिनेटली अगर आपके सपनों में दम है ना, तो आप में तो ऑटोमेटिकली पावर और जुनून आ ही जाना है। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो अपने लेवल्स को डन करो जल्दी जल्दी, बिकॉज विदाउट बिकमिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर फॉरएवर इज अ नथिंग, कुछ भी नहीं है फॉरएवर लिविंग। ये वो चीज है, फिर एक पैसों की मशीन तो है सामने और पैसा छाप भी रही है, बट हम उस शीशे के इतना बाहर है कि उसे छू तो सकते हैं बट पा नहीं सकते। फिर ऐसा हो जाएगा, इंडस्ट्री तो है सामने, लोग पैसा बना भी रहे हैं, देख सकते हैं, लेकिन अचीव नहीं कर सकते। वो अचीव क्या है, सिर्फ एक चीज की दूरी है, वो बीच का ट्रांसपेरेंट कांच, उसे तोड़कर अंदर आओ यार, किसने रोका? छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं लाइफ में, छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स ब्रेक कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। अगर ब्रेक तोड़ा नहीं जाता तो यार क्रॉस कर जाओ ना, बैरियर्स आते हैं रास्ते में। जब हम लोग घर से बाइक एक्टिवा गाड़ी लेकर निकलते हैं, छोटे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं सड़कों के ऊपर, क्या गाड़ी लेकर घर चले जाते हैं वापस कि मम्मी मम्मी आज तो स्पीड ब्रेकर आ गया, मैं डर गया और मैं वापस आ गया। अगले दिन फिर निकलोगे, स्पीड ब्रेकर तो वही रहेगा, उसके अगले दिन फिर निकलोगे, स्पीड ब्रेकर तो वही रहेगा, यानी कि कभी भी आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे अगर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना नहीं सीखा। जो चीजें आपसे मैनेज नहीं होती ना, उन चीजों को ब्रेक कर जाओ, इससे पहले वो आपको ब्रेक करे ना, आप चीजों को ब्रेक कर दो। यानी कि अगर कोई चीज आपको कमजोर बना रही है ना, तो अपनी कमजोरी से लड़ो। कमजोर क्या बना रही है यार, पापा नहीं मानेंगे तो मनाओ, किसके पापा हैं? आपके हैं, 18, 20, 22, 25 साल के हो गए, कौन रहा इतने साल साथ में? आप रहे हो। मम्मी क्यों नहीं मान रही है, क्या किया था ऐसा पास्ट में गलत जो मम्मी आज कन्विंस नहीं हो रही है फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए हमारे ऐसा क्या किया था? कंसीडर करो अपने लिए सोचो, कहीं ना कहीं अपने लेवल पर फोकस करो, बिकॉज जब तक अपने लेवल पर फोकस नहीं करेंगे ना, फॉरएवर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बोल रही हूँ, जो अभी भी फ्री की हवा खाने फॉरएवर लिविंग में आ रखे हैं ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर सीरियसली, दिस कंसेप्ट इज नॉट मेड फॉर यू, आपके लिए नहीं बना ये। और ये क्या, दुनिया का कोई भी कंसेप्ट नहीं बना। अगर आप कहीं पर जॉब करने जाओगे ना, पहली इन्वेस्टमेंट आपकी जेब से होगी। महीने के अगर आपको 12,000 मिल रहे हैं, तो आपको एडवांस आपके आने जाने का किराया या पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे, वो आपको आपकी जेब से लगाना पड़ेगा। जो लंच बॉक्स आप लेकर जाओगे ना, जिस राशन से वो बनेगा, वो प्री इन्वेस्टमेंट होगी आपकी। अंडरस्टैंड करो, यानी कि बीज पहले बोना पड़ता है, फसल बाद में उगती है। हम क्या बोलते हैं, फसल पहले आ जाए बीज बाद में बोए हम, ऐसा नहीं होता। अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में, आपके आंगन में एक ऐसा खूबसूरत और बड़ा विशाल पेड़ हो, एक जिससे आप सालों साल फल खा सके, तो उसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। इंतजार के साथ साथ आपको पहल करनी पड़ेगी उस बीज को बोने की, पहल करनी पड़ेगी उस बीज की केयर करने की, पहल करनी पड़ेगी उस बीज को प्रोटेक्ट करने की फ्रॉम द एयर्स, फ्रॉम द जो हवाएं चलती हैं, तूफान चलते हैं, इन चीजों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा हम इन चीजों को। तो ऐसे ही हमारे सपने होते हैं, सपने तो है बट क्या चीज है, इसको प्रोटेक्ट करना है। किससे? मम्मी की ना से, पापा की ना से, भाई के गुस्सा होने से, इनसे प्रोटेक्ट करना है। बिकॉज आज जो आप डिसीजन बना रहे हो, सिर्फ ये डिसीजन आपके लिए नहीं, आपके आने वाली जनरेशन के लिए है, आपकी फैमिली के लिए है। कन्विंस करो कि हमारी एजुकेशन पर भी तो इतना पैसा इन्वेस्ट करा है, घर में एक LED रखी है, क्या दे रही है? कुछ नहीं दे रही। वो घर में कलेश और हो रहा है, घर में लड़ाइयां और हो रही है रिमोट के पीछे। कोई बोल रहा है मैच देखूंगा, कोई सीरियल देखेगा, कोई मूवी देखेगा, यानी कि उस एलईडी पे भी इन्वेस्टमेंट, फिर उसके रिचार्ज पे इन्वेस्टमेंट, फिर घर में लड़ाई झगड़े। यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी लड़ाई या थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट या थोड़ा सा गुस्सा हो सकता है आपकी फैमिली अभी करे, बट फ्यूचर में आपको जो रिजल्ट और जो हैप्पीनेस मिलने वाली है ना, वो आपको अदर इन्वेस्टमेंट से नहीं मिलेगी। आप सोचोगे यार मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जिस दिन मैंने फॉरएवर लिविंग में AS किया था, जिस दिन मैंने अपने लाइफ में 2cc का बिजनेस किया था ना फॉरएवर लिविंग का। मुझे आज भी अपनी तारीख याद है जिस दिन मेरा AS लेवल कंप्लीट हुआ था, वो 30 अप्रैल की तारीख, और जब मेरे बॉडी के अंदर ना गूज बम्स आ रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे ये सोचकर कि मेरे बहुत जल्दी अकाउंट में 1,00,000 आने वाले हैं, बहुत जल्दी। बट मैंने कितनी मुश्किल से AS किया होगा। कुछ लोग बोलते होंगे यार हमारी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है, मैं लड़की हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मैरिड हूं तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे तो छोटे बच्चे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी,
है ना, लड़के होते यार मैं तो शादीशुदा हूँ, फैमिली की मुझ पर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आप लोग सोचते हो यार मेरी तो उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है मैं अभी नहीं कर सकता, ये सारे ना बहाने हैं, ये सारे बहाने हैं। अगर मैं इनमें से कुछ कॉमन चीजों को उठाऊं जो मुझसे मैच करती हैं, मैं एक लड़की थी, मैं गरीब घर से थी, मेरे फादर नहीं थे, मैंने सोसाइटी से बहुत सुना है, सोसाइटी सबको बोलती है, वो चार लोग क्या बोलते हैं क्या भोंकते हैं बेसिकली, हमें फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, बिकॉज मैंने उन लोगों को कभी अपना समझा ही नहीं जो पीठ पीछे बोलते हैं। तो आप एक चीज सोचो, जो इंसान आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, यानी कि वो आपको अच्छे से नहीं जानता, आपको अच्छे से नहीं जानता वो इंसान, अगर वो आपके बारे में गलत बोल रहा है, तो मुझे मेरे रिलेटिव्स कुछ बोलते थे, क्योंकि बेसिकली अगर मैं बात करूं, मैं लेट नाइट सेशंस करके जब घर जाती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑफलाइन था उस टाइम काम, तो लोग बोलते थे पता नहीं क्या करती होगी, कहाँ जाती होगी, रात को आती है, शायद बाप नहीं है तो उसका नजायज फायदा उठा रही है, माँ कुछ बोलती नहीं है, पता नहीं क्या क्या चीजें सुनी है, बट लगता है उन चीजों से कुछ फर्क पड़ता होगा, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, मेरी मदर को पता था मैं सही हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कौन मुझे ड्रॉप करके गया है, कैसे मैं आई हूँ, कुछ भी एवरीथिंग जो भी मेरी लाइफ में उस टाइम था, तो मेरी फैमिली को पता था वो सारी चीजें। बट आप सोचकर देखो, अगर मैं उन चीजों के बारे में सोचती थी मैं आज यहाँ प्रेजेंट ही ना होती। लोग तो शाहरुख खान को भी गोरी खान का कुत्ता बोलते थे, क्या उसने सोचा इनके बारे में? अगर वो सोचता तो गोरी खान आज उसकी वाइफ ना होती और वो बॉलीवुड का किंग ना होता, वो तो ट्रेन पकड़ता वापस घर चला जाता कि लोगों ने तो मुझे कुत्ता बोलना शुरू कर दिया। रजनीकांत जिसे बस कंडक्टर बोला जाता था, जिसे बोला जाता था लो टीटी आ गया, टीटी राज करेगा इंडस्ट्री में, अगर वो बोलता तो शायद आज वो साउथ का सुपरस्टार ना होता। आप सोचकर देखो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अपने टाइम पर, जिसका ना बॉडी है, ना हाइट है, ना फेस है, ना फीचर्स है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल आज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर है, एक्टिंग में दम है उस बंदे की, क्योंकि उसे अपने ऊपर भरोसा था, उसे अपने काम पर भरोसा था। अगर वो लोगों के बारे में सोचता तो शायद आज वो यहाँ ना होता। तो ये चीजें क्या है, कुछ चीजें मैच होती है हमसे, कुछ लोगों को लगेगा यार ये तो कॉमन है, मेरे साथ भी है, या मैंने इससे पहले भी किसी लीडर का सुना है। तो यहाँ पर देखो, मुकेश अंबानी तो आएगा नहीं अपनी सक्सेस जर्नी बताने की उसने कैसे करा था, अगर वो भी बताएगा ना, अगर उनके फादर होते हैं जिंदा धीरूभाई अंबानी, वो बताते कि मैं गरीब था, मैंने इतने रिजेक्शन फेस करे, फिर मैंने धीरे धीरे काम करना शुरू करा, मैंने एक काम किया, दूसरा काम किया, मैं एक दिन में 10-10 काम करता था, मैंने अपने नीचे लोग लगाए, मैंने थोड़ा पैसा अर्न, आपको लगता है यार ये भी सेम ही बोल रहा है। क्योंकि पता है क्या चीज होती है, जो इंसान जीरो से बना होता है ना, कोई भी इंसान, मैं हूँ आप, जर्नी सबकी सेम रहेगी, रास्ता सबका सेम रहेगा, क्योंकि मंजिल भी कहीं ना कहीं हमारी एक जैसी है, मंजिल एक जैसी है, तो रास्तों का सामना तो हमें करना पड़ेगा। और कहते हैं वो जो सोल्जर्स होते हैं ना, जो सोल्जर्स होते हैं, या जाबाज बोलूं मैं, वो जाबाज रास्तों की परवाह नहीं करते, जिनकी नजरें मंजिलों पर टिकी होती हैं। तो यहां पर अगर बात की जाए, तो मैंने आपको बोला कुछ मैरिड होंगी तो मैं आज मैरिड हूं, कुछ मदर होंगी तो मैं आज मदर भी हूँ, कई लोगों के बच्चे छोटे होंगे, मेरा बेबी भी छोटा है, मैं उसको छोड़कर एक घंटे का टाइम निकालती हूँ, सेशंस करती हूँ, ट्रेनिंग प्रिपेयर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ आज, किसके लिए? फॉर माय फैमिली, अपने बच्चे के लिए, अपनी आने वाली और जनरेशन के लिए जो आ चुकी है, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी उस फैमिली के लिए जो मेरे साथ यहाँ पर भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। यानी कि चीजें जो बोलते हैं लड़के यार मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आज कम है, फ्यूचर में ज्यादा हो जाएंगी। जो लोग बोलते हैं यार हमारी उम्र हो चुकी है, तो मैं आपको बताऊं, केंटकी फ्राइज चिकन, बहुत सारे लोगों ने KFC का चिकन भी खाया होगा, उस इंसान ने 65 ईयर्स की एज में अपना स्टार्टअप किया है, 65 ईयर्स की एज में स्टार्टअप। आप सोचकर देखो, क्या एज मैटर करती है? एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र सिर्फ आपकी अंकों में है, सपने आपके अभी भी जवान है, अगर आपका शरीर बूढ़ा हो चला है तो इसमें आपकी गलती नहीं है। तो आप ये चीज सोचकर देखें कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल अपनी लाइफ का स्टार्टअप कर सकते हैं, बिकॉज लाइफ मौका बार बार नहीं देती, और कहते हैं जिसने मौके पर चौका मारा है दुनिया उसे सलाम करती है, क्योंकि इंडस्ट्री राइट, कहते हैं ना, राइट टाइम राइट प्लेटफॉर्म विद द राइट अपॉर्चुनिटी विद द राइट मेंटोर आपको लाइफ में बार बार नहीं मिलेगा। जो आपको अभी मिल चुका है वो आपके लिए बेस्ट है, अगर आप, क्योंकि देखो आप बेटर की तलाश में निकलोगे ना, तो आपके हाथ से बेस्ट निकल जाएगा, और बेटर कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंसान की फितरत है कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता। तो ये चीज है कि एक जस्ट 34,000 रुपीज, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस, आपका पर्सनल ओपिनियन है कि यार हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है कि नहीं करना है। बिकॉज अगर आज मैं अपनी बात करूं,
मेरा जो लास्ट ITR था या जो मैं अब भरूंगी दोबारा से, या मैं लास्ट ईयर की इनकम की बात करूं तो नियर अबाउट 35 लाख प्लस मेरी आई थिंक लास्ट ईयर की इनकम रह चुकी है। आप सोच कर देखियो 3500 रुपए की जॉब करने वाली लड़की 2017 में बिफोर ज्वाइन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को ज्वाइन करने से पहले 3500 रुपए की जॉब, 9000 की नौकरी से रिजेक्ट किया गया मुझे। आज मेरा 24000 रुपए से भी ज्यादा मंथली टैक्स कट रहा है, 20+ मैं बोल सकती हूँ, जितनी आज ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड को जॉब नहीं मिलती ना, इससे ज्यादा का टैक्स मैंने शायद गवर्नमेंट को फील कर देती हूँ मैं आज के टाइम पर। तो वो चीज सोचकर देखो, मेरा GST बना हुआ है, मेरी जितनी भी इनकम आती है मैं उसका 18% गवर्नमेंट को पे करती हूँ हर महीने। अगर मेरी 4 लाख की इनकम है, मेरी 5 लाख की इनकम है, तो नियर अबाउट उसका 48,000-52,000 जितना भी बनता है, 18% मैं फॉर एवर लिविंग से जितनी भी मुझे इनकम आ रही है मैं गवर्नमेंट को उसका 18% पे करती हूँ। अगर इनकम आ रही है तो पे कर रही हूँ। इतनी लोगों की सरकारी जॉब में सैलरी होती है जितना मैं अलग से GST बना हुआ है, जितना मैं टैक्स दे देती हूँ अपनी इनकम का हर महीने। आप सोचकर देखिए, क्या अगर मैं नौकरी करती है चीज पॉसिबल हो पाती? नहीं हो पाती। अगर मैं फॉर एवर लिविंग में AS लेवल ना डन करती, क्या ये चीज पॉसिबल हो पाती? जो मैंने पिछले साल में 32-35 लाख रुपए अर्न किया, अगर मैं वो 2 CC ना करती, क्या मैं यहां तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। अगर मैं फॉर एवर लिविंग में स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल ना डन करती, क्या मुझे आबूधाबी का टूर मिलता? नहीं मिलता। नौकरी में तो मैं कभी पासपोर्ट बनवाने की नहीं सोच सकती थी, क्योंकि गोवा तक तो इंसानों के ड्रीम होते हैं, और गोवा चले जाएंगे, और गोवा जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट लगता है? और लोग तो गोवा भी नहीं जा गए होते, मैं आपको डेफिनेटली सीरियसली बताऊं, लोग गोवा भी नहीं गए होते। इंडिया में 92% लोग ऐसे हैं जिनका पासपोर्ट नहीं है, और 85% ऐसे हैं जो 10,000 से भी कम सैलरी में काम कर रहे हैं। ये इंडिया है हमारा, जिसे कहते हैं ना उभरता हुआ भारत, ये सीरियसली उभरता हुआ है भारत। उभर सकता है अगर हम लोग नई अपॉर्चुनिटीज के साथ, नए माइंडसेट के साथ चले तो। अदरवाइज आप सोचकर देखिए, अदर कंट्रीज हमसे आगे कैसे हैं? एक कॉमन सेंस है, अदर कंट्रीज हमसे आगे कैसे हैं? क्योंकि वहां के लोगों का ना जॉब माइंडसेट ही नहीं है। इंडिया का इंसान जाता है बाहर मजदूरी करने, आप देखोगे ना, यार मेरा ना बस एक बार कनाडा का वीजा लग जाए, लोगों का यार मेरा USA का वीजा लग जाए, क्या करूंगा? देख लेंगे, ट्राले ट्रुल्ले चला लेंगे, लग जाएगी किसी पिज्जा डोमिनोज पर नौकरी, KFC में बर्तन बुर्तन मांझ लेंगे, किसी की गाड़ी ही धो लेंगे, यार लगे तो सही। लोग ना ऐसे माइंडसेट के हैं, लोग ये नहीं सोचते यार। कभी आपने देखा है, आपका एक फ्रेंड है, आपसे बात तो करता होगा जाने के लिए, या तो एजुकेशन बेस पर जाएगा, और एजुकेशन का खर्चा तो माँ बाप देखो इंडिया से तो अफोर्ड कर नहीं सकते, बाहर जाएगा तो नौकरियां ही करेगा, क्या करेगा? डिलीवरियां मारेगा, ज्यादा से ज्यादा शीशे साफ कर लेगा, पोचे मार लेगा, बर्तन धो लेगा। यहाँ पर शर्म आती है नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने में भी, कि फादर को फाइनेंशियली हेल्प ना हो जाए, वहां लोगों के झूठे बर्तन उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं इंडियंस, ये फैक्ट है। आप लोग देखोगे वहां पर आधे आधा बर्गर खाकर लोग अपना सर्वाइवल कर रहे होते हैं, रोटियां नहीं मिलती वहां पर। बट क्या चीज है, आप सोचकर देखो, फॉरएवर आपको घूमने के लिए भेज रही है, घूमने के लिए भेज रही है फॉरएवर लिविंग। लोग ऐसे फॉरन जाते हो, फॉरएवर लिविंग आपको ऐसे फॉरन भेज रही है, विच इज द बेटर? सबसे बेटर कौन सा है, घूमने फिरने जाना है या वहां पर लोगों के झूठे बर्तन उठाना? अंग्रेजों की गुलामी तो इंडिया में 1947 से पहले बतेरी कर ली, अब क्या है, उस टाइम मजबूरी से करते थे, आज मर्जी से करते हैं उनके देश में जाकर। उस टाइम ब्रिटिश आए थे हम पर राज करने, आज हम जाते जी हमें अपना गुलाम बना लो, हमें कुछ डॉलर दे देना। आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे डॉलर कमाओ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अंग्रेजों को अपने अंडर ज्वाइन करवाओ, आपके पास अपॉर्चुनिटी है अदर कंट्रीज में घूमने फिरने, खुद भी जाओ, अपने माँ बाप को भी लेकर जाओ। बट ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है विद द पावर ऑफ 2 CC। अगर आप सिंपल चीज सोचकर देखिए, मैंने लेवल कितने में डन करा, दिख रहा है आप लोगों को, 30,000 में, अंडरस्टैंड करो, मैंने 30,000 में डन करा, और मेरी लास्ट ईयर की जो मैंने आपको बताई है वो कितना था, 35 लाख। अंडरस्टैंड करें, अब ये 30,000 क्या लगता है मेरे रिकवर नहीं हुए होंगे? हुए होंगे रिकवर या नहीं हुए होंगे? हो चुके होंगे ना। तो आप भी अपना ये माइंडसेट लेकर चलो कि 34,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर रहा, 34 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिसको मैंने फ्यूचर में 34 करोड़ बनाना है। ये चीज लेकर चलो आप लोग माइंड में, ठीक है? बाकी देखो 17th of February हो चुकी है, मैं आपको पहले ही बोल चुकी, अपने लेवल्स को डन करें, जिसको अभी भी कोई कंफ्यूजन है लेवल को लेकर,
कि मुझे क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, तो आप मुझे या तो मेरे पर्सनली इंस्टाग्राम हैंडल में मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी अपलाइन है उनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी अपना जो मेन मैनेजर है उनसे ऑन कॉन्फ्रेंस आप लोग बात कर सकते हैं, मुझसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट क्या चीज़ है, अपना एक डिसीजन बनाओ प्रॉपर तरीके से और अपनी लाइफ को एक टर्निंग पॉइंट दो। एक लेवल है जो आपकी लाइफ को ड्रेस्टिकली चेंज कर सकता है, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, वो लीजिए। बाकी पर्सनल मेंटोरशिप का पार्ट बनिए, अच्छे तरीके से फॉरएवर लिविंग के अंदर वर्क करिए। फॉरएवर लिविंग आपके सभी सपनों को साकार करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑलरेडी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, 9 PM का सेशन का लिंक जो है वो ग्रुप में डाल चुका है, तो हम ये वाला सेशन यहीं पर एंड करते हैं। बाकी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जो कि अगेन पर्सनली होगा किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, हम वहां पर मिलेंगे। बट आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। होप सो कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपना AS लेवल डन करेंगे और हमें पर्सनल मेंटोरशिप में मुझे वो चेहरे देखने को मिलेंगे जो आज यहाँ पर थे सभी के सभी। और नो इवन सिर्फ पर्सनल मेंटोरशिप में, अपनी जब आप गाड़ियां बाय करोगे, जब आप लोग अपने घरों की प्लान करोगे, जब आपके अकाउंट में महीने का 1 लाख से लेकर 15 लाख या 1 करोड़ भी आना स्टार्ट होगा, वहां पर भी आप लोगों के चेहरे हमारे साथ हो। तो मैं तो आप लोगों को यही विश करूंगी आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों का डिसीजन आपको लेकर जाएगा, मेरे विश करने से कुछ भी नहीं होगा। एक छोटा सा डिसीजन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज कर सकता है, अंडरस्टैंड करो। क्योंकि देखो एक बड़ा सा पत्थर आंख में लग जाए ना, शायद वो आपको इतना इरिटेट नहीं करेगा। आपने बचपन में एक स्टोरी पढ़ी होगी, छोटा सा तिनका जब आंख में चला जाता है, एक तिनका, उसकी आई थिंक पोयम थी हमारे हिंदी की बुक में, एक तिनका आंख में जाकर इतना, यानी कि एक छोटी सी चीज आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकती है। तो एक छोटा सा डिसीजन आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, इसका अनुमान, इसका ज्ञान, इसकी इसकी जो आपको पावर नहीं पता भी क्या है, बट पता लग जाएगी। कहते हैं कीमत हमेशा वक्त के साथ पता लगती है, तो अपने आप को वक्त दें, बट उसकी कीमत को जानने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा और अपने लेवल को डन करना पड़ेगा। तो बाकी विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल।